अब आप लोगों ने जो रिक्वायरमेंट बताई सबकी अच्छी थी, मतलब आप लोगों ने जितना उसको अंडरस्टैंड किया, जो थोड़ी सी उस पर आपने राइटअप लिखा वो आपने शेयर किया। हम इसमें अब ये लोग चीज़ें मैं थोड़ी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जो आपको थोड़ा सा किसी न किसी एक्सपेक्ट में किसी ना कुछ चीज़ मिस की थी, वो ये कि सबसे पहले तो जिस वक्त आप रिक्वायरमेंट दे रहे होते हो या ले रहे होते हो, उसमें आपने ये चेक करना है कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था आपने। अभी आपने इनपुट देते देते आप थोड़ा सा ना टेक्निकल भी हो गए। टेक्निकल से मुराद है कि आपने बीइंग इस कोर्स के हिसाब से आउटपुट देना शुरू कर दी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा अभी हमने अवॉइड करना है कि अभी आगे भी जो एक्टिविटीज करेंगे, जो हम रोल उस टाइम पे डिफाइन कर रहे हैं। अभी मैंने रोल डिफाइन किया था कि मैं क्लाइंट और आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन हो या डिवेल्पर हो, आपने उस एक्सपेक्ट में लेके उसको आउटपुट देनी है। अच्छा, उसके अलावा जब आप रिक्वायरमेंट दे रहे होते हो, सॉरी इसका जब उसको सोल्यूशन दे रहे होते हो, उसमें आपने जो उसका एक्सपेंस एंड है वो भी आपने मेक श्योर करना है। कि जैसे अभी अगर हम कॉमन बात की, इसमें आइडियाज बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने दिए हैं। अब इसमें से एक जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको देते हैं कि जिसमें वो जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की होगी, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन की होगी, वो हमारी इसी एप्लीकेशन पे आके सारी की सारी अपने जो वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो इसी पे अपलोड करेंगे। आपकी मतलब चीज़ भी बिल्कुल ओके है, आइडिया भी ज़बरदस्त है, इम्प्लीमेंटेबल भी है, हम इसमें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन अब इसका एंड क्या आता है, क्लाइंट तो बहुत खुश होगा इस चीज़ से, यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको इंक्लूड करो। ओके, डन हो गया, हमने इंक्लूड कर दी, हमने उसको बना के ये वाली चीज़ भी, जो प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ, हमने इसमें ये मॉड्यूल बना के दे दिया कि तमाम जो सिचुएशन हैं वो आके अपने वीडियोज़ भी इसी सिस्टम के अंदर अपलोड करते हैं, जो उन्हें लर्निंग रिसोर्सेज हैं। अब अगर आपसे रिज्यूम कर लो, मिसाल के तौर पर अगर 10 इंस्टीट्यूट ही रजिस्टर्ड है आपके साथ और वो पांच पांच कोर्सेज हर इंस्टीट्यूट ऑफर करती है, अब हर कोर्सेज की हर डे पे उन्होंने एक जो वीडियो वगैरह जो भी 30-35 मिनट की, वो चलो 30-35 MB तक की वीडियो होगी, वो अपलोड करेगा। अब इसका मतलब है कि आपको इसके बैकएंड के रिसोर्सेज जो है वो आपके जो सर्वर के हैं वो आपको हाई एंड चाहिए। तब तो आपने क्लाइंट को ये भी शेयर करना होता है, या उससे रिक्वायरमेंट पूछनी होती है कि जो आपके जो बैकएंड के जो रिसोर्सेज हैं उसके एक्सपेंसेस आप कहाँ तक बेयर कर सकते हो। अब इसके लिए आपको अच्छा खासा सर्वर ऐसा चाहिए जिसपे क्लास की बैंडविड्थ हो, अच्छी बेहतरीन रैम लगी हुई हो, बेहतरीन प्रोसेसर हो, स्टोरेज उसकी अनलिमिटेड टाइप की हो। अब वो एक्सपेंसिव जो हम क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। एप्लीकेशन अक्सर डेवलपर बहुत अच्छी बना लेते हैं, क्लाइंट बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनवा लेते हैं, लेकिन उसके बैकएंड के रिसोर्सेज वो इतने बर्दाश्त नहीं कर सकते उसके एक्सपेंसिव, कि उस लेवल की एप्लीकेशन चल सके। और वहाँ पे एप्लीकेशन क्या कहती है, जाके फ्लॉप होना शुरू हो जाती है, एकदम से मार्केट में एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पर लोग आते हैं अपना इनपुट देने, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन साथ साथ क्रैश करती चली जाती है या ओवरलोडेड हो जाती है। एक क्लाइंट के पास ओपन हो रही है, दूसरे के पास ओपन ही नहीं हो रही, वो बैठा वेट कर रहा है, उसे लगता है साइट डाउन हो गई है। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना होता है कि आपने कि या तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़बरदस्त हैं कि नहीं है। उसकी एग्जांपल मैं ये तो भी देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में जो ये रेंटा कार वगैरह जो है ये बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। जब से मैंने मार्केट में आया था डेवलपमेंट के हिसाब से, तो उस वक्त से लोग रेंटे जो रेंटे कार वगैरह वो एप्लीकेशन बनवाते थे, फिर गेस्ट हाउसेज वगैरह वो एप्लीकेशन बनवाया करते थे। लेकिन उनकी क्यों नहीं एप्लीकेशन इतनी चली, उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं चले, 15-20 साल से वो काम कर रहे थे। उसके मुकाबले में ये तो क्रीम ओबर अभी आए हैं, लेकिन बिल्कुल रिसेंटली मार्केट में आया, और ये टोटली यही ही नए इस वक्त मार्केट में। उसकी रीज़न क्या है कि बैकएंड के जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनके सर्वर्स लगे हुए हैं, इतने ह्यूज हैं कि वो सारी ट्रैफिक को इजीली मैनेज कर रहे होते हैं। यानी आप एक टाइम पे थाउजेंड्स लोग जो हैं वो क्रीम या ऊबर की ऐप पे जाते हैं और जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो व्हीकल्स वगैरह रजिस्टर्ड हैं, एक्टिवली नज़र आ रही हैं, जो व्हीकल मूव होके डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, लाइव लोकेशन की ट्रैक हो रही है। अब ये सिर्फ एप्लीकेशन में जाना बहुत आसान है, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ये क्रीम या ऊबर टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की बना सकते हो। लेकिन फ्लॉप कहाँ होती है कि उसके रिसोर्सेज नहीं है कि एक से, अगर वहाँ पे 40-50 लोग एक टाइम पे आएंगे, अगर हमने सिंपल से बनाया हुआ अपने जो लोकल होस्टिंग लेके, जिसपे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिज हैं 40-50,000 पर ईयर एक्सपेंसिज हैं,
उस पर अगर 50 लोग भी अभी उस एप्लीकेशन पे आएंगे ना, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर देगी, बैठ जाएगी, लोड ही नहीं हो रहा, डाटा ही नहीं चल रहा, उसको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि बैकएंड के रिसोर्सेज उसके अच्छे खासे मतलब हैवी होने चाहिए। जब आप क्लाइंट को रिक्वायरमेंट दे रहे हो उससे ये भी थोड़ा सा आपने आइडिया लेना था, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के पार्ट है, बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपने भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्लाइंट से ये एक्सपेक्ट आपने लाजमी सामने रखना है कि वो जो इसके हार्डवेयर एक्सपेंसिस आ रहे हैं, जो बैकएंड एक्सपेंसिस हैं, वो ये बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। चाहे कि आप पूरी अच्छी एप्लीकेशन बना के दे दो, लेकिन जैसी एप्लीकेशन चले वो लोड ही बर्दाश्त ना कर सके, एक तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है आपने। सेकेंड, अब जो आपने इंफॉर्मेशन दी, आप दो तीन लोगों ने कहा कि हम वेब सर्विसेज और मोबाइल ऐप बनाएंगे। अब जो वेब सर्विस होती है ना, ये वेब एप्लीकेशन नहीं होती, इसका इंटरफेस नहीं होता। जो वेब सर्विस होती है इसका इंटरफेस नहीं होता। जब आप बात करो कि मैं वेब सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊंगा, इट मीन्स कि आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो। वेब सर्विसेज होती है चल कहीं ना कहीं लाइव रन हो रही होती हैं, लेकिन वो मोबाइल सर्विस में एज ए बैकएंड के तौर पे परफॉर्म करती है, क्योंकि डाटा होता है किसी भी जगह से, किसी सर्वर से डाटा उठा के आपकी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें मैं ये करना कि आपने कि वेब सर्विसेज जो हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन को और वेबसाइट को कम्युनिकेट कराने का पर्पस तो परफॉर्म करवाएगी, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो वेबसाइट का अल्टरनेट होगा, ऐसा नहीं है। आप उसमें मेंशन करोगे कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, बाकी आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी तकरीबन ऑलमोस्ट वही इन्फॉर्मेशन ही है कि उसको अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने चीज कोर बताई थी कि इंस्टीट्यूट्स मैं चाहता हूँ कि इसमें रजिस्टर्ड भी हों, उनका रिन्यूअल भी हो एनुअल बेसिस पे, कितने मेरे पास पेंडिंग है, कितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितने की रिन्यूअल पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें मैं देखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो मेरा होगा वो होगा इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन / रिन्यूअल, ये मेरा सबसे आ गया। और इसी की बेस पे मेरी इसमें रिपोर्टिंग निकल सकती है, कि पेंडिंग कितने हैं और कंप्लीटेड कितने हैं। इनमें बहुत एक्सपेक्ट आ जाते हैं रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन, कितनों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, कितने की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, रिन्यूअल कितनों ने अप्लाई किया, तो कितनों की कंप्लीट होगी, कितनों की पेंडिंग है, ये इसमें आ गया। अच्छा, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के बाद अब अगला जो इसका जो लिंक्ड बनता है, ताकि क्लाइंट को भी अंडरस्टैंडिंग रहे कि जो चीज़ आप बता रहे हो उसी मॉड्यूल वाइज आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। अब अगली बात मैंने की थी कि इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो, अच्छा, उसके बाद वो अपने कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं वो हमारे इसी पोर्टल पर डाले। अब यहाँ पे आ जाए कि कोर्स रजिस्ट्रेशन, वो जितने कोर्सेज ऑफर कर रहा है वो यहाँ पे वो मेंशन करेगा। अब उस कोर्स में उसका टाइटल आ सकता है, उसकी ड्यूरेशन आ सकती है, उसकी जो फी वगैरह है वो आ सकती है, उसकी जो कोर्स आउटलाइन वगैरह है वो आ सकती है। या उसके अलावा अगर वो स्पोर्टिंग में कोई फॉर एग्जांपल अपना कोई फीडबैक्स वगैरह जो शो करना चाह रहा है, कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करना चाह रहा है, जो मैंने जो मैं कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी इतने बैजेस कराए हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं, इस तरह की चीज़ अगर शो करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे हम उसे अलाउ कर दें कि वो अपलोड कर सके। जब उसके अलावा इसमें पैकेजेस वगैरह डिफाइन कर सके, पैकेजेस से बता दें कि लाइक ग्रुप डिस्काउंट्स वगैरह जैसे होते हैं, या कि अगर किसी भी इदारा है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो कोई स्पेसिफिक कोर्स आप उस इंस्टीट्यूट से करवाना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या पैकेज है, इस टाइप की चीज़ें जो है पैकेजेस वगैरह इसमें ऐड कर सके। ये हमारी आगे कोर्स रजिस्ट्रेशन वगैरह। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं इस आके इंस्टीट्यूशन को सर्च करें, कोर्स को सर्च करें, और इन्हीं कोर्सेज अगेंस्ट ऑनलाइन रजिस्टर भी हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो टाइप के जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हम उसे प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराएं, ठीक है, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाए, और सेकंड में हो सकता है वो गेस्ट यूज़र के तौर पे ही रजिस्टर्ड होना चाह रहा है। अब ये हम लोग डिपेंड करता है क्लाइंट पे, अगर क्लाइंट कहते हैं नहीं यार गेस्ट यूज़र मैंने कोई नहीं रखना, जो भी स्टूडेंट है वो आए अपने आप को पहले इस हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर ले, वो साथ ही क्योंकि उसको कोर्सेज की डिटेल और ईच एंड एवरीथिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी, तो वो भी हम ऑप्शन रख सकते हो। सिंपल एक गेस्ट, उसमें फिर ये होगा कि जैसे स्टूडेंट आया, आप इस पोर्टल को एक्सेस किया,
हम उसे पूछ रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के तौर पे आ रहा है इसमें या स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाए सामने कि वो उसमें अपनी बेसिक्स इंफॉर्मेशन डाल दे, नेम अपना, एजुकेशन डाल दे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल डाल के ओके करे, देन आगे फर्दर उसको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाए। इससे होगा कि हमारे पास एक पूरा एक पोर्टफोलियो बनता चला जाएगा स्टूडेंट्स का कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो स्टूडेंट के जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन है, वो हम आगे फर्दर चल के कुछ आपस में डिस्कस कर लेंगे कि हमें इसमें दोनों ऑप्शन रखनी चाहिए या सिंगल ऑप्शन रखनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करेगा उसके बाद फिर कोर्स एनरोलमेंट है। अब जो कोर्स एनरोलमेंट होगा उसमें सिंपल सी चीज़ है, वो सिंपल कोई ना कोई कोर्स सेलेक्ट करेगा, कोर्स या किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन की रेंज से सेलेक्ट कर रहा होगा। और देन अब एनरोलमेंट में अब हम एक ऑप्शन उसे दे सकते हैं, अब ये अब एज ए आप क्लाइंट को बता रहे सॉल्यूशन, इसमें अब ये कर सकते हो कोर्स एनरोलमेंट में एक एनरोलमेंट होते ही आप उसे फी डिपॉजिट करवाओ। सेकंड ऑप्शन हो सकती है कि आप उसे डेमो क्लास ऑफर करो, ठीक है, क्योंकि डेमो क्लास अगर वो लेता है उसके बाद एक या दो क्लासेज जो आप ऑफर कर रहे हो उसके बाद अगर वो फी डिपॉजिट कर रहा है देन वो उस कोर्स को कंटिन्यू रख सकता है, अगर फी डिपॉजिट नहीं करता तो वो उस कोर्स की एक्सेस उसको नहीं होगी। ये हम कोर्स एनरोलमेंट में उसको दो तीन चीज़ें ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छा, अब जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे हैं इसमें उसकी हम साथ एजुकेशन डिटेल्स या एक्सपीरियंस डिटेल्स लेंगे। अगर मतलब ये भी हो सकता है कि वो नॉर्मल एक बंदा मार्केट में जॉब वगैरह कर रहा है और उसमें ऐसे भी कोर्स एनरोल करना चाह रहा है, हम उसके दोनों डिटेल्स ले रहे हैं और इंक्लूडिंग अटैचमेंट, जैसे आप लोगों ने बताया भी था कि अटैचमेंट वो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के वो अटैच करेगा, अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो अपने जॉब सर्टिफिकेट्स भी अटैच करेगा, तो हम ये उसमें उससे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अब कोर्स एनरोलमेंट भी हमारे पास आ गई, अब रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है कि टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड कितने हैं, इसमें हमें यह भी पता चल सकता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं उनमें से डेमो लेके कितने चले जाते हैं और रेगुलर कितने हो जाते हैं, ये हमें रेशियो से आइडिया हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जी डेमो में आप कहते हो जी 100 स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन डेमो के बाद 5 या 7 स्टूडेंट रह जाते हैं, इट मीन्स के जो ट्रेनर है या जो डेमो दे रहा है उसके शायद डेमो से लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे, लेकिन एनरोल कर रहा है इट मीन्स कि उसकी रिक्वायरमेंट तो है कि वो करना चाह रहा है इस कोर्स को, डेमो लेने के बाद या वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ या ट्रेनर के जो स्टाइल है टीचिंग स्टाइल उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ या जो कोर्स के कॉन्टेंट थे उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उस केस में फिर हम लोग स्टूडेंट फीडबैक वगैरह रख सकते हैं कि अगर क्लासेस वो ले रहा है तो भी अपना फीडबैक देता रहे, अगर वो डेमो क्लास लेके चला गया तो उसको भी हम ईमेल बेस पे या जैसे भी उसको एक लिंक्स वगैरह सेंड करके फीडबैक ले सकते हैं कि हम अपने कोर्स की इम्प्रूवमेंट या इंस्टीट्यूट की या स्पेसिफिक ट्रेनर की इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए रोल प्ले कर सकें। अच्छा, अब जब इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो रही है, इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्सेज रजिस्टर किए हैं, अब वो कोर्सेज के साथ साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट पे वो जो ट्रेनर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी अपलोड कर सके, ठीक है, ट्रेनर्स इंफॉर्मेशन उसमें उनका एक्सपीरियंस वगैरह आ जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर हमारे पास आ गई। अच्छा, अब ये मेन मेन मोटी मोटी चीजें होगी। अच्छा, देन अब आगे हम फाइनेंस एंड पे। अच्छा, अब फाइनेंस एंड में हमारे पास जो मॉड्यूल होते हैं एक होता है आपका लेजर। अब ये थोड़ा सा मैं अभी टेक्निकल चीजें बताने लगा हूं। लेजर में ये है कि जो भी एक्टिविटी सिस्टम में जो होती है परफॉर्म होती है, ट्रांजैक्शन जो होती है, चाहे वो पैसे आपने एक्सपेंस के तौर पे लगाए हैं या पैसे आपको मिले हैं, वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में ऐड होती है, ये उसे हम लेजर कहते हैं। बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन बुक है उसमें आप, मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने फी पे की 5000, मैंने उसमें एंटर कर दी कि स्टूडेंट ने ये उसका मेंबर स्टूडेंट नंबर था, ये उसने पे किया है, इस कोर्स के अगेंस्ट पे किया है, इस इंस्टीट्यूट को पे किया है, ठीक है। और अब अच्छा, इंस्टीट्यूट हमारे साथ अगर रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसके अगर हम कोई रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं वो आ जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट था, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसने ये अमाउंट पे किया, इस डेट को पे किया,
अच्छा मैं कोई एक्सपेंस कर रहा हूँ, ये पोर्टल या इंस्टीट्यूट एक्सपेंस कर रही है एडवर्टाइजमेंट पे या कोई भी किसी भी रिलेटेड एक्सपेंस है जो इस पोर्टल के रिलेटेड है वो वहाँ पे मेंशन करेगा, ठीक है ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, इस डेट को किया था, इतने अमाउंट में किया था, ये एक लेजर बन रहा होगा। ये पूरी ट्रांजेक्शन बैकएंड पे ऑटोमेटिक मेंटेन होगी, जैसे ही कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होती जा रही है, फी आ रही है, कुछ कोई रजिस्ट्रेशन फी आ रही है, ये सारी चीज़ें बैकएंड मेंटेन होंगी। अच्छा लेजर के बाद जो होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा आगे चल के भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रायल बैलेंस में होता है कि ये जो पेमेंट्स आ रही होती है किसी ना किसी एक मतलब कह लो किसी हेड के अगेंस्ट आती है, किसी चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट आती है। यानी अब जैसे इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फीस है, ये होगा इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का हेड होगा, उसके अंदर ये सारी पेमेंट्स जा रही होंगी। अच्छा अब स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का एक हेड होगा, स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन पेमेंट्स है ट्रांजेक्शन है वो उसके अंदर जा रही होंगी। इसी तरह मेरा आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, अच्छा रेंटल एक्सपेंसेस, इस तरह के कुछ डिफरेंट एक्सपेंसेस के हेड बना लेता हूँ, उसके अंदर वो ट्रांजेक्शन जाएंगी, तो वो चीज़ें। अच्छा फिर आ जाता है मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब ये आ जाती है, इसमें आ जाएगा कि मैंने एक्सपेंस कितना किया, मुझे रेवेन्यू कितना है, एट द एंड मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट आ गई कि एंड पे मेरे पास बचा क्या, ठीक है, पूरा मंथ के एंड पे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस सेपरेट सेपरेट आ गया। बैलेंस शीट पे एंड पे टोटल आ जाता है, अच्छा ये मेरा फॉर एग्जाम्पल एक हेड था अकाउंट का, जब ईयर स्टार्ट हुआ था उसके अंदर इतना बैलेंस था, जब ईयर क्लोज हो गया तो टोटल बैलेंस इतना बचा, इस टाइप की चीज़ें। ये भी ऑटोमेटिक निकले इसमें। ये बताने का मकसद फाइनेंस का मॉड्यूल इस वजह से है, इसमें इनकॉर्पोरेट कराने का, मार्केट में इस वक्त ऑलमोस्ट तमाम इदारे अपने जो ये फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हैं उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, जैसे हमें ये चीज़ बना दो, उसमें हो क्या रहा है कि जो मार्केट में लोग हैं जो नॉर्मली जो टैक्स फाइल करते हैं वो लोग इनसे कंटेक्ट करके, ठीक है जब आपकी टैक्स फाइलिंग भी करेंगे, आपके अकाउंट्स भी मेनटेन करेंगे, फिर वो इदारा उनको मंथली बेसिस या एनुअल बेसिस पे उनको पे कर रहा होता है, वो जो चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एक फाइनेंस मॉड्यूल बना के दे दो, ठीक है जी अपनी आप सारी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन इसमें डालते रहे, एट द एंड आपकी पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर से निकल के आ जाएगी। इस वजह से हम फाइनेंस का मॉड्यूल मैंने खुद से इनकॉर्पोरेट करवाया इससे, ताकि आपकी इसमें भी लर्निंग हो जाए। एक मिनट जस्ट आप लोग रुकिएगा। यहाँ तक आपको समझ आया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, होगा कैसा, जितनी मैं ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेन की थी, ठीक है, बस उनको थोड़ा एक फॉर्मेट में लाया है कि जिस वक्त आपको क्लियर आइडिया होता है चला जाए कि अच्छा मैंने स्टार्ट यहाँ से लेना है, फिर ये होना, फिर ये होना, फिर ये होना, फिर ये होना। अच्छा अभी कोई क्वेश्चन आपका इसके रिलेटेड या कोई इनपुट की सजेशन? सर हम रजिस्ट्रेशन का एक ही मॉड्यूल बना सकते हैं जिसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे फॉर इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स, राइट? राइट, ऐसा ही है, सही है। ताकि अभी जो मैंने जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और जो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन अलग अलग लिखा है, वो एक्चुअली है कि जैसे वो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे आएगा हम उससे पूछ लेंगे, यानी चाहे उसी पेज के ऊपर हम एक ड्रॉप डाउन सी होगी कि वो अपने आप को एज ए इंस्टीट्यूट रजिस्टर करना चाह रहा है या एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना चाह रहा है, वहाँ से सेलेक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन वो, ताकि इंस्टीट्यूट है तो हम कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, अगर स्टूडेंट है तो उससे हम थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तो हम उसी पेज को उसी बिहेवियर उसका चेंज कर लेंगे उसकी सिलेक्शन पे। उसके रीजन ये है, अभी हमने इसको ड्रॉ किए हैं, जब हम उस पर चले जाते हैं ना, ये क्लास डायग्राम पे या जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है, सीक्वेंस डायग्राम होती है, इसमें अब अच्छी खासी नीटी ग्रीडी पे जाते हैं, उसमें फिर बैठ के प्रॉपर वर्किंग करके अगर कोई एक नई चीज़ ऐड हुई है, अगेन हमें उस डायग्राम को भी चेंज करना होता है, वो एक थोड़ा सा ना मतलब इससे थोड़ा हट के चीज़ हो जाएगी। मैं ये ज़रूर कर लूँगा कि हम थोड़ा सा इसको फ्लो में ले आएँ, तो देखेंगे अगर आपकी पेस अच्छी चल रही है फिर हम डेफिनेटली उन पर भी आ जाएंगे कि हम जो डायग्राम बना के उसके मुताबिक भी इसको चेंज कर लें। हमें काम क्या करना है,
100% एग्री तो उस बताओ विदाउट अगर ये डॉक्यूमेंटेशन या ये चीज़ें जो डायग्राम नहीं होती तो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो आप कह लो कि मतलब उसकी क्वालिटी है आप उससे कह लो कि 100 से 80% पे ले आते हो। अगर ये चीज़ें नहीं पड़ी बनी हुई या चीज़ें आपके सामने नहीं है डेवलपर के सामने नहीं है तो अगर वो एप्लीकेशन की जो आउटपुट 100% होती चाहिए तो 80% पे आ जाती है। लेकिन अभी सिर्फ बताने का मतलब अगर हम उस पर जाते हैं एक जो प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट अगर 6 मंथ का है उस ड्यूरेशन का अगर हम उसकी जो ये डायग्राम्स या जो जिसकी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये बनाते हैं तो तकरीबन कह लो आप एक मंथ ऐड कर लो उसके अंदर उस ड्यूरेशन के अंदर ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होती है लेकिन आइडियल चीज़ें वही होना वही चाहिए। लेकिन अभी हमारा इसमें मेन टारगेट है कि हम एक्चुअली अपनी प्रैक्टिस पर भी ज़्यादा तवज्जो दें और साथ साथ उन चीज़ों को भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको टास्क देने के बाद मैं वो चीज़ें जो डायग्राम आप कह रहे हैं वो भी बना के नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में आपसे वो भी टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ ताकि जैसे आपको क्लैरिटी के लिए। लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा होगा कि हम अपनी जो डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है उसको जितना अच्छा कर लें फिर एंड पे हम देख लेंगे कि अगर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेज लगा के ये जो डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें हैं कुछ स्टडी करना है तो वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई किसी की कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन आपका या चीज़ें जो पॉइंट्स देखे हैं ये क्लियर हो गए हैं कि हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं। यस सर क्लियर फाइन। अच्छा अब इसको मैं अभी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता हूँ क्योंकि उसमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि देखो जब आप फॉर एग्जांपल ड्राइविंग सीख रहे हो ठीक है किसी भी ड्राइविंग स्कूल से सीखते हो या खुद से सीखना शुरू करते हो या कोई आपको सिखा रहा होता है तो डे वन में आप बैठ के ये सीखते हो कि ठीक है जी आप जो स्टीयरिंग है उसको किस तरह से आपने संभालना है रोड पर फोकस करते हुए स्ट्रेट गाड़ी चलानी है बस डे से आप बंदे से ये नहीं पूछना शुरू करते या खुद से ही प्रैक्टिस नहीं शुरू कर देते यार मुझे अगर 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ फुल से एकदम से ब्रेक लगानी पड़े तो मेरी गाड़ी उल्टनी नहीं चाहिए बल्कि रिवर्स हो जानी चाहिए। अब इस तरह की टेक्निक आप डे वन से अप्लाई नहीं करते हो या आप ये नहीं ट्राई करते हो ठीक है बाइक सीख रहा हूँ तो सेकेंड डे या थर्ड डे मैं कहूँ कि ठीक है अच्छा यार मैं मुझे संभालना तो बाइक आ गया पहले बताओ कि व्हीलिंग मैं कैसे करूँगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ये चीज़ें आप खुद से भी प्रैक्टिस हो जाती है और खुद से आपको मतलब सीख भी सकते हो ये चीज़ें। तो अभी हम लोग प्राइमरी फोकस और अभी विद इन अ डेज ये चीज़ें होंगी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक ही चीज़ हम वीक लगा रहे हैं लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ से स्टार्ट करूँगा वही चीज़ आपको दूंगा कि वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो ठीक है और फिर आप वही चीज़ आपको एडवांस इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाऊँगा आप देखोगे ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो प्राइमरी फोकस करना उस वाले सेम उस बेसिक चीज़ को अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना है फिर अगले ही दिन आप देखोगे मैं एडवांस चीज़ पे भी जाऊँगा रेदर कि आप डे वन से एक्सपेक्ट करोगे कि इसी चीज़ को एडवांस में कैसे करना है तो आपको बेसिक भी समझ नहीं आएगी एडवांस भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक हो गया? यस सर। हाँ अच्छा अभी सबसे पहले का जो चीज़ है ये तो चलो हमने आइडेंटिफाई किया हम काम क्या करने जा रहे हैं। सेकेंड जो आप में से एक दो लोगों ने सजेशन दी थी कि हमें एक वेबसाइट का डिज़ाइन होगा तो इंटरफेस होगा जिसपे ये सारी चीज़ें हम डिवेल्प करेंगे अब हमें चाहिए कि इंटरफेस अच्छा उसके बाद चाहिए जो उस पर हमने जो इंटरफेस बनाना है यानी उसमें फील्ड्स डिफाइन करनी है अगर एक इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना है उस इंस्टीट्यूट की मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है और इंफॉर्मेशन मुझे वो लेनी है जो कि प्राइमरी टाइप हो उसकी नीटी ग्रीटी में नहीं जाना कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट आपका इसका ऑनर कौन है अच्छा इस इंस्टीट्यूट का ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपलोड करो ठीक है कि जो आपका इंस्टीट्यूट यहाँ रजिस्टर्ड है ऐसी नहीं जो बेसिक हमें रिक्वायर्ड है कि पोर्टल पे आते हुए एक यूज़र का टाइम भी कम लगे क्योंकि इंस्टीट्यूट आता है तो उसका रजिस्टर होने में टाइम भी कम लगे कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़े लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हो भी आपकी डिटेल में ऐसी कि जो नॉर्मल पब्लिक के तौर पे या स्टूडेंट के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ उसको देखते मुझे इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट भी मिल जाए इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने उसे गेट करनी है। इसी तरह स्टूडेंट है अगर स्टूडेंट रजिस्टर होने आ रहा है तो हम उससे ऐसी इन्फॉर्मेशन ले जिससे मैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ भी जाए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए भी कम से कम इन्फॉर्मेशन दे के ज़्यादा से ज़्यादा दे चुका हो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने गेट करनी है तो ऐसे फील्ड्स आइडेंटिफाई करनी है। तो आप लोगों का जो आज के डे में टास्क होगा जो कल से पहले पहले आपने करना है कि ये जो मैंने मॉड्यूल्स लिखे हैं ये जो चीज़ें डिफाइन की है इसमें जो आखिरी मॉड्यूल दो छोड़ के ठीक है रिपोर्टिंग वाला और फाइनेंस वाला ये दो मॉड्यूल छोड़ के ये जो पहली चीज़ें लिखी हैं इनकी हमें फील्ड्स आइडेंटिफाई करनी है लाइक इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है हर एक इंडिविजुअल बेस पे ये चीज़ें करके
आप बेशक पेज पे बना लेना, चाहे सिस्टम के अंदर नोटपैड की फाइल पे, वर्ड की फाइल में बनाओ, वो बना के आपने उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपने जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें ग्रुप में शेयर कर देना इंडिविजुअल ने, मतलब कल सुबह से पहले पहले, ताकि जब हम कल स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे मेरे पास फॉर्म्स हों, जैसे आइडिया होगा, अच्छा जी ये आपने, एक बंदे ने ये फॉर्म्स की फील्ड्स डिफाइन किए, एक ने ये फील्ड डिफाइन किए हैं, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने उससे लेनी है, उसके बाद जो ट्रेनर्स की इन्फॉर्मेशन है क्या क्या आएगी, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या क्या आएगी, जो उसके एनरोलमेंट वो कर रहा है स्टूडेंट अपने उस कोर्स के लिए, उसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे ले रहे हैं, और इस जो फी वगैरह डिपॉजिट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट कर रहा है स्टूडेंट, अपनी कोर्स की फी डिपॉजिट कर रहा है, उसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये जो फील्ड्स हैं जैसे डेटाबेस के टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने डिफाइन करनी है, स्टूडेंट का टेबल बनेगा ये फील्ड्स होंगी, कोर्स का टेबल बनेगा ये फील्ड्स होंगी, जो उसकी कोर्सेज हैं ये फील्ड्स होंगी, ट्रेनर की ये फील्ड आपने आइडेंटिफाई करनी है, क्लियर हुआ? सर हो गया। अच्छा उसके बाद फिर हमने अब बनाने हैं उसके फॉर्म की फील्ड्स, जो कि अभी मैं बताने लगा हूँ, मैं टेम्पलेट आपसे अभी शेयर करता हूँ, वो टेम्पलेट में फिर आपको गूगल ड्राइव पे रख के वो लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, जो व्हाट्सएप के ग्रुप में छोटा सा साइज तो छोटा ही है, ठीक है, वो ग्रुप में आप उसमें आप अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसी पे वो फॉर्म डिज़ाइन करोगे। अभी मैं वो फॉर्म जो है बनाने का वो इंटरफेस में, अभी वेबसाइट के इंटरफेस को नहीं हम लोग छेड़ेंगे, वो सिंपल जो स्टैंडर्ड जो एक टैबलेट मैंने डाउनलोड किया है वो टैबलेट में उसी तरह फील्ड जाने दो, अभी हम लोग फोकस करेंगे फॉर्म बनाने पे, वो फील्ड्स, वो इंटरफेस जो मतलब अट्रैक्टिव टाइप का लेआउट हो, जिससे यूजर आके उस पर इंफॉर्मेशन एंटर कर सके, जो इंस्टीट्यूट अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर सके, वो फॉर्म बनाना है, लॉग इन स्क्रीन होगी, इंस्टीट्यूट का वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बनाओगे, कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो फॉर्म बनाओगे आप, ट्रेनर की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, उस फॉर्म के अंदर आप लोग फील्ड्स बनाना शुरू कर दोगे, ताकि जब हमारे डमी से वो 4-5 फॉर्म बन जाएंगे, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन शुरू करेंगे विद डेटाबेस, फिर हम देखेंगे ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन इसमें अगर कोई फील्ड्स कोई मिसिंग हो रही है वो फील्ड ऐड कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा हो रही है हम रिमूव कर देंगे, ताकि हमारी वो डेवलपमेंट की प्रैक्टिस होती चली जाए, ठीक हो गया? यस सर। ओके अब मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ, एक नया वीडियो स्टूडियो में ओपन कर रहा हूँ, देखो अब आप लोग क्या करोगे, विजुअल स्टूडियो में जाओगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, अच्छा इसका जो नाम रख रहा हूँ ना मैं प्रोजेक्ट का, वो रखे हैं इसमें एक्टिव इंस्टीट्यूशंस रोस्टर, ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का हम लोग नाम रख रहे हैं एयर, ठीक है, रोस्टर होता है एक्चुअली एक लिस्ट ऑफ मतलब कोई भी जैसा इंस्टीट्यूट का रोस्टर है तो उसमें इंस्टीट्यूट की लिस्ट होती है, क्या इंस्टीट्यूट है, और जैसा एम्प्लॉयज का एक रोस्टर होता है, सही है, ठीक है, ये वो उस बेस पे मैंने एक्टिव इंस्टीट्यूशन रोस्टर उसका नाम रख दिया, अच्छा, और अब टैलरिक आप सबके पास इंस्टॉल हो चुका होगा, इसलिए मैं जो आपको प्रोजेक्ट भी सेंड करूंगा वो टैलरिक वाला प्रोजेक्ट ही है, अभी मैं सिंपली इसको विदाउट नाम रखे मैं इसको ओके कर रहा हूँ, जैसे बताने के लिए कि हम टेम्पलेट को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, कि अगर आप इन फ्यूचर कोई भी टेम्पलेट खुद से किसी जगह से डाउनलोड करते हो या खुद से आप फोटोशॉप में एक डिज़ाइन बनाते हो उसको HTML में कन्वर्ट करते हो रिस्पॉन्सिव से बना लेते हो, दैन उसको वीडियो स्टूडियो में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, अच्छा अभी वीडियो स्टूडियो में प्रोजेक्ट बन रहा है उतने में ना, अच्छा अब ये एक टैबलेट है, ये आपको फोल्डर नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर स्टाइल शीट फॉन्ट इमेजेस या कुछ पेजेस बने हुए हैं, टेम्पलेट पेजेस बने हुए हैं, इन्हीं को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के आपने एक किसी भी डिज़ाइनिंग टूल के अंदर आपने एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया, उसकी स्लाइसिंग वगैरह करके उसको HTML में कन्वर्ट किया, उसमें स्टाइल शीट बनाई, उसमें बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट किया, तो आपके एक HTML कुछ पेजेस बन गए, अब इसको विजुअल स्टूडियो में लेके जाना है, या आप नेट से कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हो पूरा कम्प्लीट, उसको विजुअल स्टूडियो में लेके जाके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो ये पूरे जितना ये यहाँ पे सब कुछ पढ़ा हुआ है इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो में जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो यहाँ पे आगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए,
ये जो आपका प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन है, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये सारे का सारा यहाँ पे पेस्ट हो गया आपका, ठीक है। यानी वो पूरा जो आपका टेम्पलेट है वो आपके वीडियो स्टूडियो में आ चुका है, जो सबसे पहला स्टेप होता है, ताकि आपने काम तो वीडियो स्टूडियो के अंदर डेवलपमेंट उसकी करनी है। यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट हो गया कि आपने उस टेम्पलेट को इसका हिस्सा बना दिया, समझ आया पॉइंट? सर इसमें से कोई फॉर्म थोड़ा सा ओपन करके दिखाएंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर किस तरीके से नजर आएगा? अभी सिर्फ कोड फॉर्म में आएगा या हमें उसकी GUI नजर आएगी? मैं सब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी इन पहले स्टेप में हमने उस जो टेम्पलेट था सारा उसको विजुअल स्टूडियो में ले आए। अब मैं आ रहा हूँ ये स्टेप था जो मैंने इस एयर वाले प्रोजेक्ट में किया था, जो भी आपसे शेयर किया, इसे मैंने स्टेप आपको पहले शेयर कर दिया अलग से प्रोजेक्ट पे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये फॉर्म्स वगैरह आ रहा है कि अच्छा, अब जब आपको एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होता है ना, वो विजुअल स्टूडियो वगैरह के अंदर उसका इंटरफेस यानी डेवलपमेंट फेज में नजर नहीं आता, जब उसे ब्राउजर में रन करके देते तब नज़र आता है। लेकिन अब जैसे ये लॉग इन वाला फॉर्म है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी HTML सिंपल इसका आ रहा है। अब इसका अगर डिज़ाइन मुझे देखना है तो रन करके देखना है, ठीक है, व्यू इन ब्राउजर करके। अब इसका डायरेक्ट इसके अंदर इसका इंटरफेस इस तरह नहीं देख सकते, लेकिन जब हम उसका ASPX पेज बनाएंगे फिर हम उसका डिज़ाइन देख सकते हैं, लेकिन वो कैसे नज़र आएगा मैं उस अगले स्टेज में वो बताऊँगा। अब इसको अगर मैं व्यू इन ब्राउजर करता हूँ, ठीक है, लाइक ये एक पेज है व्यू इन ब्राउजर, ये बिल्कुल उसी तरह आपका टेम्पलेट जो आपका एक्चुअल है उसी तरह रन होके लेआउट नजर आएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो ASPX में डेवलपमेंट पेज पे उसका डिजाइन जिस तरह हम लोग पहले डेवलपमेंट कर रहे थे वो कैसा नजर आएगा वो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी उसके साथ मिक्स नहीं करूंगा, अभी मैं सिंपली आपको ये बताने लगा हूँ कि जो आपने फॉर्म बनाने हैं, वो जो फील्ड्स आप लोगों ने बनानी है, इस तरह की जो फील्ड्स बनानी है आपने, वो कैसे इसमें जो आपने इंटरफेस बनाना है इसका। अभी जैसे इसमें 5 फील्ड्स आ रही हैं, अब आप लॉगिन स्क्रीन में आ रहे हैं, सिंपली 2 फील्ड चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड का। अगर आप जो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है उसमें अगर आपको ज़्यादा फील्ड चाहिए, वो आपने यहाँ पे जो जैसे एक पे ये 2 फील्ड्स आ रही हैं। अगर आप एक ही रो में 3 बनाना चाह रहे हो, 4 बनाना चाह रहे हो, जैसे ये एक रो में एक कंट्रोल आ रहा है, ये किस तरह से हैंडलिंग है, ये बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिक ये चीज़ है। पहले इसको हम देखेंगे ताकि इसमें फॉर्म बनाना शुरू कर दोगे तो फिर उसके बाद जैसे अभी ये आपने देखो ये मेन्यू जो टॉप पे आ रहे हैं, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेन्यू ये लॉक हो रहा है, ये कैसे लॉक हुआ ये भी आपको मैं बताऊँगा किस तरह से लॉक होता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये जो चीज़ें हैं ये मतलब नीटी ग्रिटी में आती हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक कोर चीज़ है वो ये है। इसको हम स्टार्ट करके बाकी जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं वो साथ साथ देखते चले जाएंगे। जैसे ये आपका विजुअल शो हो रहा है यहाँ पे, तो ये नजर आ गया? यस सर। ठीक है, जैसे अब ये जो आपका फॉर्म आ रहा है ये इंटरफेस बनाना, ठीक है, ये डेवलपर के एंड पे ना कोर चीज ये होती है कि वो फील्ड्स हों जिसमें यूजर ने इनपुट करना है, इसी फील्ड को यूज करते हुए आपने डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट कराना है, ठीक है, ये मेन चीजें हैं। और आपने ये डिफाइन आपने इनको डिजाइन करना, जो आपको टास्क देना है कि जो जो आपको जो नोटपैड में चीज़ें बताई हैं कि आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, कोर्स रजिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है, उनके जो फॉर्म डिज़ाइन करने हैं आपने, वो आप कैसे बनाओगे, ये फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, एक रो में ये 2 आ रही हैं, आप 3 बनाना चाहते हो, एक रो में 4 करना चाह रहे हो, एक रो में 1 करना चाह रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिज़ाइन जो आपने जी आज आप लोग ये भी इम्प्लीमेंट करोगे, जब फील्ड डिफाइन कर लोगे इसी तरह पेजेस की कॉपी बना बना के ये आपने चीज़ें डिफाइन करनी है। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. वैसे ये तो फ्रंट एंड वालों का काम नहीं होता, आई मीन डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो हमारा काम है, लेकिन जो फील्ड्स को किस तरीके से लेआउट में किस तरह रखना है क्या करना है ये तो फ्रंट एंड वालों का काम नहीं होता। फ्रंट एंड वालों का काम है लेकिन जो आप कह रहे हो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं जो काफी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनमें तकरीबन कह लो 50+ स्टाफ होता है, वहाँ पे तो ये बाइफरकेशन होती है कि फ्रंट एंड का एक टीम बैठी हुई है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की सेपरेट टीम बैठी हुई है, उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट गैदर करके क्लास डायग्राम SRS ये बना के आगे दे दिया, फ्रंट एंड वालों को उनकी रिक्वायरमेंट दे दी, फ्रंट एंड वालों ने डिज़ाइन बना के इंक्लूड, फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डेवलपर को दे दिए, डेवलपर ने उस फ्रंट एंड को लेके
जो के फ्रंट एंड वालों ने डिजाइन करके दिया, उसके बैक एंड पे अपने कंट्रोल की कोडिंग शोडिंग करना शुरू कर दी। लेकिन इस कोर्स में आप लोग तमाम चीजें देखोगे, अगर एक टेम्पलेट है उसके अंदर फ्रंट एंड खुद से बना के प्लस उसकी कोडिंग वगैरह करो, ताकि जितनी डिपेंडेंसी कम होगी उसमें ये ज्यादा चांस है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो ऑनलाइन, ठीक है, वो अब वो तो आप ये नहीं करोगे आप क्लाइंट को भैया भी फ्रंट एंड की चीजें कंप्लीट करके मुझे दे दो, मैं बैक एंड उसका करूंगा। यस सर, अंडरस्टूड। इस वजह से कंप्लीट चीजें करेंगे, और उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि जिस वक्त भी आप क्लाइंट को दे रहे हो कि आपने उसको चीज एक बना बना के साथ देनी, वो कहता है कि मेरे पास एक 2 माह का टाइम है, अब आप उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू कर दो, फिर उसकी फ्रंट एंड बनाओ, तो आपका तरीके 2-3 वीक इसी में निकल जाते हैं। तो उसमें हम लोग जब ये वाला इंटरफेस पार्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आप उसका इंटरफेस ये जो फॉर्म्स के एंड पे है, जो एंट्री फॉर्म्स, एंट्री रिलेटेड फॉर्म्स हैं, उस पर इनिशियली काम करके इंटरफेसेस बना के उसको डेवलपमेंट शुरू कर देते हो, और मीन वाइल आप बैक एंड जो सारे इंटरफेसेज हैं, फ्रंट एंड हैं, जो बाकी पेजेस हैं, उसके भी काम करते रहते हो, तो क्लाइंट को भी आउटपुट नजर आती रहती है, और आप अपने एंड पे बैक एंड पे बाकी चीज़ें भी कम्प्लीट करके साथ साथ इंटीग्रेट करते जाते हो और साथ साथ प्रेजेंट करते जाते हो। राइट सर, राइट। इसी हिसाब से हम लोग इसको भी थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, ताकि हम अपने कम टाइम के अंदर